नमस्ते फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं दो फ्रूट मिल्कशेक्स जो बहुत ही थिक और क्रीमी होंगे, लेकिन हम उसमें ना बर्फ यूज़ करेंगे ना आइसक्रीम यूज़ करेंगे। ये मिल्कशेक बहुत ही हेल्दी होंगे और सबको बहुत पसंद आएंगे। आज मैं आपको एक सीक्रेट बताऊंगी जिसको यूज़ करके आप किसी भी फ्रूट मिल्कशेक को बहुत ही थिक और क्रीमी बना सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा, जिससे मेरी हर रेसिपी सबसे पहले आपको मिले। तो सबसे पहले हम बनाते हैं बनाना स्प्लिट मिल्कशेक। स्टारबक्स जो एक बहुत ही बड़ा ब्रांड है, उसके मेन्यू पे भी ये मिल्कशेक है, बनाना स्प्लिट फ्रैपचिनो। इसका मतलब इसमें बनाना होता है और स्ट्रॉबेरी होता है। तो अब आपको बताती हूँ वो सीक्रेट। हमने एक बनाना को लिया और उसको डीप फ्रीजर में डाल दिया। डीप फ्रीजर मतलब वहाँ जहाँ बर्फ जमाई जाती है। और अब आप देख सकते हैं ये एकदम फ्रोजन हो गया है। इसको हम एक चाकू की हेल्प से छील लेंगे और इसको काट के हम ब्लेंडर में डाल देंगे। जो फ्रोजन फ्रूट होता है, ऐसा फ्रूट जिसको हमने डीप फ्रीज में डाल दिया या फ्रीज कर दिया, वो मिल्कशेक को बहुत ही क्रीमी और थिक बना देता है। यही है हमारा सीक्रेट। इसी तरह से हमने स्ट्रॉबेरीज ली, उनको धो के उसका जो ग्रीन स्टेम होता है उसको काट दिया और उनको भी एक अच्छे डब्बे में डाल के डीप फ्रीजर में डाल दिया। स्ट्रॉबेरीज भी बिल्कुल फ्रोजन हो गई हैं। इस रेसिपी के लिए हम 8 से 10 स्ट्रॉबेरी यूज करेंगे और इनको भी ब्लेंडर में डाल देंगे। इसके बाद हम डालेंगे 1 कप दूध, 3 चम्मच पिसी हुई चीनी और थोड़ा सा वेनिला एक्स्ट्रैक्ट या वेनिला एसेंस। बस अब इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। अब एक थिक मिल्कशेक बनाने का दूसरा सीक्रेट, इसको कम से कम 1 मिनट तक ब्लेंड जरूर कीजिएगा। जब हम इसको कम ब्लेंड करते हैं तो ये बहुत ही पानी जैसा मिल्कशेक बनता है, लेकिन जब आप इसको अच्छे से ब्लेंड करते हैं और सारे इंग्रेडिएंट्स पूरी तरह से पिस जाते हैं तो ये बहुत ही थिक मिल्कशेक बनेगा। आप देख सकते हैं ऊपर कितना सारा झाग बना है इस मिल्कशेक में। अब हम इसको सर्व करते हैं। जो हमारा सर्विंग ग्लास है इसको हमने थोड़ा सा सजा लिया है, साइड में सिरप लगा के उस पर स्प्रिंकल्स लगा दिए हैं जो बहुत ही कलरफुल हैं, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, और ग्लास में अंदर हमने थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी सिरप डाल दिया है। आप देख सकते हैं कि मिल्कशेक कितना थिक और रिच बना है। इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा है। जो हमने नीचे सिरप डाला था, जब उस पर मिल्कशेक डाला तो वो सिरप ग्लास के साइड्स में ऊपर आ गया और वो एक बहुत ही अच्छा कलर कॉन्ट्रास्ट दे रहा है। तो कहीं पे लाइट पिंक, कहीं पे डार्क पिंक जैसा इफेक्ट आ गया हमारे ग्लास पे, जो बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब हम इसको बाजार जैसे सजा देते हैं। उसके लिए हम यूज़ करेंगे व्हिप्ड क्रीम। अगर आपके पास व्हिप्ड क्रीम नहीं है तो इसके लिए भी आपको एक शॉर्टकट बता देती हूँ। जो बाजार में फ्रेश क्रीम मिलती है, चाहे वो कोई भी कंपनी की हो, नीले डब्बों में मिलती है, आप उसको फ्रिज में रख दीजिए और जब वो ठंडी हो जाएगी तो वो काफ़ी गाढ़ी हो जाएगी। फिर उसको चम्मच से निकाल के मिल्कशेक के ऊपर डाल दीजिए, वो एकदम व्हिप्ड क्रीम जैसा स्वाद देगा। इसको हम स्प्रिंकल्स और वेफर्स से सजा देते हैं और ये बन गया हमारा स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक घर पे। बनाना स्प्लिट फ्रैपचिनो बोल सकते हैं, बनाना स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक बोल सकते हैं, जो आप चाहें। आप देख सकते हैं मिल्कशेक का कलर कितना खूबसूरत आया है स्ट्रॉबेरीज की वजह से। और अच्छी बात यह है कि हमने इसमें कोई कलर नहीं डाला है, कोई भी अनहेल्दी इंग्रेडिएंट्स नहीं डाले हैं। ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है। अब हम बनाने जा रहे हैं मैंगो मिल्कशेक। मैंगो तो वैसे भी फलों का राजा है और मैक्सिमम लोगों को बहुत पसंद आता है। इसका मिल्कशेक बनाने के लिए फिर से हम वही ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। हमने मैंगो के पीसेस काट के एक अच्छे डब्बे में रख के उसको डीप फ्रीजर में रख दिया है। अब आप देख सकते हैं वो बिल्कुल फ्रोजन हो चुका है। आप मैक्सिमम फ्रूट्स को इसी तरह काट के फ्रीज कर सकते हैं। फ्रूट्स आराम से 3 से 4 महीने फ्रीजर में रह सकते हैं। 100 ग्राम फ्रोजन मैंगो लेंगे और इसमें डालेंगे 1 कप दूध, 3 चम्मच पिसी हुई चीनी और थोड़ा सा वेनिला एक्स्ट्रैक्ट या वेनिला एसेंस। इसको भी ब्लेंड कर लेंगे। इसको कम से कम 1 मिनट तक ब्लेंड जरूर कीजिएगा। हमने इसके लिए भी ग्लासेस को बहुत अच्छे से डेकोरेट कर लिया है। फिर से हमने कलरफुल स्प्रिंकल्स लगाए हैं चारों तरफ और इसमें हमने नीचे डाला है मैंगो जैम। आप चाहें तो इसे ना डालें, ये ऑप्शनल है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा कलर और फ्लेवर का कॉन्ट्रास्ट देता है। अब मैंगो जैम के ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा क्रीम। ये हम इसलिए डाल रहे हैं जिससे बाद में जब हम इसमें येलो शेक डालेंगे तो ये बहुत ही अच्छा कलर कॉम्बिनेशन लगेगा। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर है इसका, ये नेचुरली इतना अच्छा लग रहा है। अब हम इसमें अपना मिल्कशेक पोर कर देते हैं। मिल्कशेक कितना थिक और क्रीमी है पोर करने से ही मालूम पड़ रहा है। इसका टेक्सचर बहुत ही गाढ़ा है, बहुत ही क्रीमी है। आपके जिन भी दोस्तों को मिल्कशेक पसंद है या मीठा पसंद है, उनके साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर करिएगा। मैं आपको साइड से दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं नीचे जैम, फिर उसके बाद क्रीम और ऊपर से मिल्कशेक, तीनों का कलर कॉन्ट्रास्ट कितना अच्छा लग रहा है साथ में। इसको भी हम ऊपर व्हिप क्रीम से सजा देते हैं, ऊपर से स्प्रिंकल्स डाल देते हैं और ये बन गया हमारा मैंगो मिल्कशेक घर पे, बिल्कुल हेल्दी वे में और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। आप देख सकते हैं ग्लास के थ्रू भी नीचे कितना सारा फोम है इसमें। ये जो छोटे छोटे एयर बबल्स हैं, जो फोम है, ये आपके मुंह में बहुत ही अच्छा टेक्सचर देंगे जब आप इसको पियेंगे तो।
बस ऐसी ही छोटी छोटी ट्रिक्स इस्तेमाल करके हम बाजार से भी अच्छे मिल्कशेक्स घर पे बना सकते हैं, कहीं ज्यादा हेल्दी कहीं ज्यादा टेस्टी। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज मुझे कॉमेंट्स में बताइए कि आप और कौन से टाइप के मिल्कशेक की वीडियो देखना चाहते हैं। मैं आपसे अगली बार मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अच्छा खाइए और खुश रहिए। बाय बाय।